आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स न्यूज, मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोटा। आज हमारे खास कार्यक्रम हालाते कपड़ा बाजार में हम आपको एक ऐसे मुद्दे की ओर लेके चलते हैं जो इन दिनों टेक्सटाइल मार्केट के लिए बेहद जरूरी है। मुद्दा है ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, ट्रैफिक की समस्या को लेकर। हमारे साथ में ट्रैफिक सूरत ट्रैफिक पुलिस के SEP एडविन SEP AP चौहान साहब हमारे साथ में हैं। चौहान साहब नमस्कार हमारे खास कार्यक्रम। चौहान साहब वैसे ऐसे कहा जाए तो इनको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के अंदर इन्होंने जो अपना एक कोऑर्डिनेशन का एक परिचय दिया वो वाकायदे काबिले तारीफ है। और लॉकडाउन के दरमियान लोगों को खाना खिलाना या फिर उनके तक राशन की किट पहुंचाना, अनेक कई समस्याओं की बात हो या कोई एक कहा जाए कि अच्छा पुलिस की अच्छी कार्यप्रणाली को एक अच्छा संदेश देते हुए आपके सामने SEP चौहान साहब हैं। SEP चौहान साहब हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चौहान साहब क्या कहोगे, सूरत मार्केट के अंदर टेक्सटाइल के अंदर हमेशा एक ही प्रॉब्लम का फेस करते हैं, हर बार यही होता है कि पुलिस जब भी आती है व्यापारियों के पास में या व्यापारी जब भी पुलिस के पास में आते हैं तो पहला जो समस्या का जो सवाल में पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही रहता है कि साहब ट्रैफिक की समस्या रिंग रोड पर बहुत है, क्या कहोगे इसके लिए साहब? जैसे आप जानते हैं कि सूरत सिटी पूरी इंडिया के अंदर टेक्सटाइल हब है और टेक्सटाइल हब होने के नाते सूरत सिटी के अंदर बाहर से आने वाले व्यापारी और यहाँ के जो मजदूर हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मिल मालिक हैं, इनके जो व्हीकल हैं 3-व्हीलर 4-व्हीलर 2-व्हीलर और 6-व्हीलर और ज़्यादा बड़े, ये सारे जो व्हीकल हैं इनका जमावड़ा सवेरे से ही टेक्सटाइल एरिया में लगा होता है और दुकानों की और टेक्सटाइल मार्केट की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि सूरत सिटी के अंदर कुल मिला के 32 लाख जितने फोर व्हीलर 2-व्हीलर यहाँ पर रोड पर घूम रहे हैं, तो इसका उसकी असर जो है ये टेक्सटाइल मार्केट में भी पड़ती है। टेक्सटाइल मार्केट वो वहाँ से गुजरने वाले जो मेन रोड है उसके बीच में आता है और ऊपर ब्रिज होते हुए भी नीचे से कुछ समय जो है सवेरे और पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले और आज में टेक्सटाइल मार्केट की जो भू रचना है यानी उसका जो प्लानिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो पाया है और इस वजह से व्हीकल ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ लोगों की आवन जावन ज़्यादा बढ़ गई है, तो आमतौर चालू दिनों में वहाँ भी खूब ट्रैफिक रहता है। सूरत शहर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपने द्वारा खूब अच्छा प्रयास किया जाता है कि सूरत टेक्सटाइल मार्केट के अंदर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है सुचारू रूप से चले, लेकिन दिन आए समस्याएं तो झेलनी पड़ती हैं क्योंकि वहाँ कहीं गाड़ियाँ बिगड़ जाती हैं पुल पे तो सारा ट्रैफिक नीचे की तरफ चला जाता है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि अभी ब्रिज का काम वहाँ पर चालू है, पुलिस द्वारा कोशिशें की गई हैं कि रोड को चौड़ा किया जाए, पहले वहाँ अंडरपास थे तो उसको बंद करवा दिया गया, इस वजह से रोड चौड़े इस तरीके से हमको काफ़ी जगह मिली और सहरा दरवाजा से लेकर कमेला दरवाजा तक जो पार्किंग है SMC के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसको रद्द किया गया है और सारे ट्रैफिक को पुल के नीचे भी डाइवर्ट किया गया है। तो मेरे को लगता है कि थोड़े समय में जब पुल का काम पूरा होगा तो कुछ हद तक इसमें सर रिंग रोड की समस्याएं हमेशा रिंग रोड की समस्या ट्रैफिक की रहती है, लेकिन सर हर बार जब मार्केट के व्यापारी एसोसिएशन जब ट्रैफिक पुलिस के पास में जाते हैं या ट्रैफिक DCP साहब से या आप साहब से जब भी मुलाकात होती है उनकी, तो मोटी बेगमवाड़ी का जो मुद्दा है हर बार उछलता है और हर बार उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में वही हालात वही वापस हुआ करते हैं, क्या कहोगे उसके लिए फाइनलाइज क्या होना चाहिए जिससे ये जो समस्या है इसका एक निराकरण? मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस और वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं और उनके जो वाहन चलाने वाले ड्राइवर और वो जो हैं पार्किंग प्लॉट जो वहाँ हैं पहले से, तो इनको एक कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा और वहाँ के जो व्यापारी हैं उन्हें अपने जो व्हीकल हैं खुद के और उनका जो टेम्पा है
या फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर या बड़े वो हैं, उनको पहले से तय है कि भाई जितने भी पार्किंग प्लॉट हैं मार्केट के अंदर उसका महत्तम उपयोग किया जाए और उसके अंदर पहले एक घंटे दो घंटे जो फ्री में उन्हें पार्क करने का समय दिया ही गया है तो उसको यदि डिसिप्लिन के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन से यदि वो करवाएं व्यापारी खुद तो समय से उनका जो भी डिलीवरी है वो लेना देना और उतारना चढ़ाना इस समय से यदि पूरा हो जाए तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक उसमें राहत मिलेगी। और रही बात बेगमबाड़ी वाले रास्ते की और वो हरिओम मार्केट से बेगमपुरा तक का जो रास्ता है, कई बार सब वो वन वे हुआ लेकिन कुछ टाइम तक वन वे रहता है, ट्रैफिक पुलिस के टीआरबी के जवान वहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद भी उसका कोई संज्ञान नहीं, क्यों सर? ऐसा है कि जब रजूआत होती है और पुलिस द्वारा वहाँ पे कार्यवाही की जाती है तो वहाँ पे जो भीड़ भाड़ करने वाले स्थानीय गिलारी वाले टेम्पा वाले जो लोग वहाँ अड्डा जमाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होती है और एक वन वे करना वो बहुत अच्छा उपाय है कि भाई वहाँ से बेगमपुरा की तरफ ही सारे वाहन जाएं, लेकिन आखिर में उस चीज़ का पालन जब वहाँ पे एक्शन होती है और जब कार्यवाही समूह कार्यवाही होती है तो काफ़ी लोगों को पकड़ा और दंडित किया जाता है, लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए प्रयास किया जाता है और दूसरी जगहों से मार्केट से पुलिस और ट्रैफिक ब्रिगेड फोर्स से उसको लाके वहाँ पे कुछ दिनों तक हाँ प्रायोगिक रूप पे वो किया जाता है, बाद में वहाँ जो ट्रैफिक ब्रिगेड रखे जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो व्यापारी और ट्रैफिक जो वाहन चालक है उनके द्वारा वो जो ट्रैफिक ब्रिगेड है उनके द्वारा दिए जाने वाले आदेश का पालन हो वो बुनियाद जरूरी है, ऐसा हो नहीं पाता है। और इसका फाइनलाइज क्या निराकरण प्लान है? ये समस्या पिछले कई सालों से कपड़ा मार्केट के एसोसिएशन उठाते आ रहे हैं, एक ही सवाल रहता है सर, ट्रैफिक पुलिस के पास में मार्केट के एसोसिएशन जाते हैं तो सबसे पहला यदि एक ही सवाल होता है वो मार्केट के बेगमवाड़ी का मामला, ठीक है। अब इसका फाइनलाइज क्या होना चाहिए कि ये कुछ कौन से एक मुद्दे पर चलना चाहिए या कौन से बेस पे एक बार व्यापारी और पुलिस का कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेशन हो जिससे ये जो समस्या है इसका निराकरण हो सके? मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे जितनी मार्केट है उनके जो होदेदार हैं उनका और पुलिस का तो कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन जो व्यापारी हैं वहाँ पे जो भी दुकानें या जो भी रख के काम करते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और इसी वजह से किसी प्रकार की शिस्त का वो दो चार दिन में ढिलाई बरतने लगते हैं और पालन नहीं करते। तो उन्हें चाहिए कि वो इस समस्या को खुद समझें क्योंकि वही लोग झेल रहे हैं इस समस्या को, इससे उनके व्यापार धंधे पर भी असर होता होगा, तो उन्हें समझना चाहिए कि पुलिस को साथ देना चाहिए और जितने भी पार्किंग प्लॉट हैं उनके पास उसका महत्तम उपयोग करें और वो जितने व्यापारी हैं अपने वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग प्लॉट में ले जाकर खड़ा करें और एक आध घंटे में जो उसमें से निकालना चढ़ाना है वो पूरा करके और तुरंत उस वाहनों को सूचना दें अपने ड्राइवर को कि समय से वो लेके निकल जाए तो ये समस्या का कुछ हद तक उसका हल निकल सकता है। बाकी इसमें आपको व्यापारी और जितनी मार्केट है उसके होदेदार और पुलिस ये तीनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा एक जो समस्या वो है कि हमारे पास सूरत सिटी के अंदर ट्रैफिक पुलिस की संख्या बहुत ही कम है। सरकार से मेहरबान सीपी साहब द्वारा दूसरे और ज़्यादा पुलिस ट्रैफिक में मिले इसके लिए मांग की गई है, ट्रैफिक बिगेड बढ़ाने के लिए मांग की गई है। वो जब तक वहाँ से हमें सरकार में से मिलता है तब तक कुछ हद तक ये जो समस्या है एक अच्छे कोऑर्डिनेशन से ही इसका हल निकल सकता है। और दूसरा जो एक रास्ता है तीसरा वो ये हो सकता है कि हर एक मार्केट अपना एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड जो ये ट्रैफिक का काम है ना करे इस टाइप का, वहाँ आने वाले जाने वाले जो भी वाहन है उसको सही तरीके से पार्किंग में भेजे और रोड पे ना खड़ा होने दें। इसलिए हर मार्केट का यदि छोटी मार्केट है तो एक और बड़ी मार्केट है तो दो बंदे जो दोनों गेट पे हो और वो लोग हैं ना, माननीय सीपी साहब ने वो एक सुझाव दिया है कि हम उनको ट्रैफिक ब्रिगेड का यूनिफॉर्म पहनाएं, उसका जो सैलरी है वो मार्केट दे लेकिन उसका पूरा हम सुपरविजन पुलिस रखेंगे
तो हमारे पास, हम लोग सूरत शहर पुलिस वो ट्रैफिक कम ट्रैफिक पुलिस और टीआरपी की संख्या से जूझ रहे हैं और इसका सीधा असर ऐसी समस्याओं पे पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पोस्टा में ही पहले मैं चर्चा में कुछ जो सुझाव दिए थे उसमें इस चीज़ की मैं चर्चा कर चुका हूँ कि यदि हर मार्केट अपने छोटी बड़ी के हिसाब से एक या दो सिक्योरिटी गार्ड रखे जिन्हें हम ट्रैफिक ब्रिगेड का यूनिफॉर्म देंगे और उनका नौकरी बाकायदा हम ही लोग चेक करेंगे और हमारी पुलिस वहाँ के जो अधिकारी हैं पीएसआई एएसआई या उस दर्जे के या पेट्रोलिंग में जो रहेंगे वो उनको हमेशा चेक करेंगे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे बेहद बड़ी मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हद तक इसका है ना समस्या का हल आ सकता है क्योंकि वो हमेशा वहाँ हाजिर रहेंगे। हमारे पास जो ट्रैफिक ब्रिगेड और पुलिस की संख्या कम है सूरत शहर पुलिस के पास उसका भी हल निकल जाएगा। तो ये एक रास्ता मुझे दिख रहा है कि इस तरीके से इस समस्या का हल निकल सकता। जी सर, और भी टेक्सटाइल मार्केट में सर जो मेन जो रास्ते हैं जैसे कि माहौल मार्केट वाला जो रास्ता हो सालासर गेट से हो या फिर मिलेनियम से अंदर घुसने वाला रास्ता हो या मोटी बेगमवाड़ी का रास्ता हो या आरकेटी से अंदर जाने का रास्ता हो जहाँ पर असामाजिक जो तत्व है असामाजिक तत्वों ने या फिर अनलीगल ट्रैफिक जैसे गाड़ी पार्किंग करके उसके पैसे उगराही करने का हो मामला या फिर अवैध लारियां रास्ते में लगा रखी हैं उसका एक्शन प्लान कुछ टाइम तक होता है लेकिन बीच बीच में यदि एक्शन प्लान रहे जिससे ट्रैफिक की समस्याएं कम हो सके उसके लिए सर नहीं सही है। सूरत शहर ट्रैफिक पुलिस चाहती है कि ऐसी सारी समस्याओं पर काबू किया जा सके और इसके लिए जो लोकल पुलिस है सलाबतपुरा वैदरपुरा जो भी जिसका भी एरिया लगता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है पर पूरा सारे पुलिस स्टेशन पुलिस की कम संख्या से जूझ रहे हैं और आप समझ रहे हो कि इतने ज़्यादा वाहन इतना ज़्यादा ट्रैफिक सूरत सिटी में है कि उसकी जो भौगोलिक रचना है रास्तों को बढ़ाया नहीं जा सकता और रास्ते बढ़ाए नहीं जा सकते। इस वजह से सूरत सिटी के अंदर शायद गुजरात में रिकॉर्ड 106 बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं जिससे ट्रैफिक समस्या का कुछ हल पाया जा सके और इसी क्रम में सहरा दरवाजे के पास जो अभी ब्रिज बन रहे हैं ये होने के बाद जो अभी जो एक पार से दूसरी पार जाने वाले या सिर्फ वहां से पास होने वाले जितने भी व्हीकल हैं वो सब ब्रिज पर से आना जाना शुरू करेंगे तो कुछ हद तक ये समस्या है ना हल हो जाएगी। सर हर बार जब पुलिस कमिश्नर साहब के पास में लिखित में मार्केट के एसोसिएशन जाते हैं तभी एक्शन होता है, वैसे एक्शन क्यों नहीं होता, क्या कारण है सर? नहीं ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होता है, एक्शन होता है लेकिन जब वहाँ पे सीपी साहब या हम लोग जाते हैं सीनियर अफसर जाते हैं तो वहाँ पे जो नियम तोड़ने वाले वो भी सतर्क हो जाते हैं और वो सतर्क हो जाते हैं तो हमको ऐसा दिखता है कि भाई दो चार दिन तक तो बहुत कड़क काम हो रहा है। वास्तव में वो कड़क काम हो ही रहा होता है लेकिन वो जो बड़े अधिकारियों की आवन जावन से जो सतर्क हुए लोग हैं वापस अपना डिसिप्लिन तोड़ के ट्रैफिक के नियमों का भंग करना शुरू करते हैं और क्योंकि टेक्सटाइल एरिया बहुत बड़ा है तो वहाँ पे जो पुलिस ट्रैफिक ब्रिगेड लगाए जाते हैं उनको पेट्रोलिंग दिया जाता है तो पूरा एरिया उनको कवर करना होता है, उनकी वो ड्यूटी का हिस्सा है। फिर भी हमने ये जो आप बता रहे हैं ये टेक्सटाइल से बाबू बेगमवाड़ी तक का जो इलाका है उसमें अभी पीएसआई शेख साहब जो वहाँ के अनुभवी हैं और उस पूरा टेक्सटाइल मार्केट के इंचार्ज है उनको खास सूचना दे के उनको वहाँ लगाया हुआ है। लेकिन इस बीच में आप लोग समझ सकते हैं कि दूसरे बंदोबस्त आते हैं वीवीआईपी बंदोबस्त आते हैं तो वहाँ से ये पीएसआई और पीआई कक्षा के अधिकारियों को वहाँ से उठा के और बंदोबस्त भी हमें करने होते हैं सर। तो जैसे ही वहाँ से हटते हैं ऐसे अधिकारी सर आप एसीबी एडमिन हो पूरे सूरत के हमारे टीवी चैनल के माध्यम से व्यापारियों को एक ये भरोसा दिलाइए कि सर बेगमवाड़ी की बात हो या सालासर गेट के अंदर की रस्तों की बात हो या फिर असामाजिक तत्व जो मार्केट के अंदर रास्ते रोक कर बैठे हैं उनका निराकरण होगा, उसके लिए सर क्या कहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से? मैं टेक्सटाइल मार्केट के सारे व्यापारी गण को संदेश देना चाहता हूँ कि सूरत शहर ट्रैफिक पुलिस आपके साथ है
हमारी कुछ समस्याएं हैं कि संख्या कम है, और फिर भी आपको जान के खुशी होगी कि सूरत शहर ट्रैफिक पुलिस की जो कामगिरी है वो अहमदाबाद बड़ौदा के आसपास ही रहती है। तो हम लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ शर्त ये है कि आप भी हमारा साथ दें और हमने अभी जो सुझाव दिए उस पर काम करें। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो SMC के साथ आप कोऑर्डिनेट करें तभी वो हल हो सकती हैं, उसका पुलिस के पास उसका उपाय नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो गैर असामाजिक तत्व है और वो अपना कैबिन और लारियां वगैरह वहां लेके रखे हैं, तो हमारा काम है उनको हम दंडित कर सकते हैं। पर अनलीगल पार्किंग ये चलती है सर, हाँ, मार्केट में, हाँ, अनलीगल गलियों में जहाँ रोड में गाड़ियां गुजरनी होती है, आम रास्ते होते हैं सर, RKT के पास में अंदर के जो रास्ते वहाँ पर अनलीगल पार्किंग है। नहीं, वो पार्किंग हम लोग नहीं चलाते, सारा दरवाजे के बिल्कुल नजदीक है, चौकी से मात्र 200 मीटर दूर है सर। नहीं, वो आप हमारे वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका आप है ना ध्यान दो रहे, और उसको जरूर हटाया जाएगा, ऐसी कोई पार्किंग नहीं चलेगी। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि जो SMC का काम है वो SMC करेगी, किसी गैरकानूनी फुटपाथ के ऊपर कोई धंधा कर रहा है या चाय बिस्किट का कुछ खोल के बैठा है तो उसको हटाना वो SMC का काम है, तो वो काम उनसे करवाया जाए और ट्रैफिक का काम हम लोग करें। तो हम लोग व्हीकल से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, और जो भी स्थायी रूप से जो लोग दबाव कर रहे हैं रोड पर वो आप SMC से कोऑर्डिनेट करेंगे, हम भी करेंगे, पर आप करें और वो तो आपको भी रिस्पॉन्स देंगे और ये समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। जो पार्किंग की आपने बात की गैर कानूनी, उसके ऊपर हमें आप लिखें वो एसोसिएशन द्वारा किस जगह पे इस प्रकार का चल रहा है, तो वहाँ के रीजन के जो ACP साहब हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके वो समस्या का भी हल निकालें। क्या कहना चाहोगे सर, हर बार ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए कई कार्यक्रम होते हैं, आज हमारे TV चैनल के माध्यम से अवेयरनेस के लिए खास करके व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रीजन इंचार्ज था और सालों साल जब भी कोई वहाँ पे अधिकारी चाहते हैं कि कोई ट्रैफिक अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जाए तो सारे व्यापारी एसोसिएशन उसमें बहुत सहकार देते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और सिर्फ वही नहीं, वहाँ पे हम लोग आई चेकअप और फ्री में चश्मा बांटने का कार्यक्रम भी करते हैं, वहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम करते हैं हम लोग, वहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस के और कार्यक्रम करते हैं। हर में टेक्सटाइल मार्केट के जो एसोसिएशन के व्यापारी हैं या होदेदार हैं वो हमको बहुत सहकार देते हैं। अभी आपने बताया ऐसे लॉकडाउन के दरमियान मैं उसमें जाने अनजाने रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे जो सेवा का कार्य था उसमें हेल्प करने वाले सभी व्यापारी बंधुओं को मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। ट्रैफिक अवेयरनेस के टाइम पे सर अभी है सर, कई व्यापारियों से ये रहता है, शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम तक उनके दिमाग में रहता है कि मुझे ट्रैफिक अवेयरनेस करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश है? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा टेक्सटाइल विस्तार के अंदर यदि आप टारगेट करो तो सबसे ज़्यादा रूल वो व्यापारी दुकान वाले ही तोड़ते हैं, या उनके जो भी मुलाजिम हैं टेम्पा वाले या वो वाले वही तोड़ते हैं। तो जब तक आप उनका सहकार नहीं मिलेगा पुलिस को, है ना, तब तक पुलिस क्या कर सकती है? पनिशमेंट कर सकती है, उनसे दंड ले सकती है, उनकी गाड़ी जमा कर सकती है, पर ये ट्रैफिक समस्या का हल नहीं है, है ना। ये यदि व्यापारी चाहेंगे तभी इसका हल निकल सकता है। तो पुलिस, ट्रैफिक, SMC और लोकल पुलिस, है ना, ये चारों को मिलके एक साथ काम करना होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि टेक्सटाइल मार्केट के एरिया में पूरी किसी भी समस्या का हल निकल सके। तो ये थे ACP चौहान साहब, जिन्होंने ट्रैफिक के ऊपर विस्तृत हमारे को जानकारी दी, और ट्रैफिक की जो समस्याएं कपड़ा मार्केट में दिनों दिन आ रही हैं उस पर भी, आगे जो पुलिस का एक्शन प्लान है उस पर भी हमारी विस्तृत चर्चा हुई। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स न्यूज़। नमस्कार।